प्रदेश अध्यक्ष और सांसद और राष्ट्रवादी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से काम करने वाले सम्मान्य श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, और आज जो विशेष आज और कल की जो कॉन्क्लेव हमने बुलाया है उसमें आए हुए सभी सोशल मीडिया बहुत देश भर में इस कैंपेन को चलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सभी लोग। मैं सबसे पहले अपना एक्चुअल बिजनेस अभी शुरू होने जा रहा है, उससे पहले दो प्रमुख लोग आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रवादी लड़ाई राजनीतिक रूप से हम लड़ने जा रहे हैं, उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी और जो प्रदेश के पार्टी के संचालन करने वाले प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, उनकी दोनों की उपस्थिति और स्वागत इस कॉन्क्लेव में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं कहता हूँ बिजनेस सेशन अभी शुरू होने जा रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा संक्षिप्त समय में, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लैगिंग, तो हम थोड़ा देरी से चल रहे हैं। बहुत कम समय में जो विषय मैं आप लोगों के बीच में आज और कल के कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उससे बात करने से पहले मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है, ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो दक्षिण से आए हैं या कहीं से आए हैं, तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है, बहुत माइनॉरिटी में है, और बाकी सब तो हिंदी में चल सकता है। तो मैं ऐसा करूंगा कि हिंदी में भी बोलूंगा और बीच बीच में अंग्रेजी वाक या अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करूंगा, जिससे अंग्रेजी समझने वालों को ये दे शुड नॉट फील हैंडीकैप्ड। यहाँ पर आनंद रंगनाथन जी भी है, वैसे वो इज एक्सपोज टू नॉर्थ इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स, तो आई डोंट थिंक ही विल हैव एनी प्रॉब्लम। मैं कुछ बातें उसको ऑर्गेनाइज्ड स्पीच ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि issues which I want to raise. Nationalist social media के इस कॉन्क्लेव में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने देश में लोकतंत्र गत कुछ वर्षों में बड़ी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी ढंग से सशक्त हुआ है और हो रहा है, तो उसमें दी चेंज मेकिंग रोल अगर कोई है, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब आने के बाद जो रीच बढ़ा, उसके बाद अगेन टू फर्दर ट्रिगर द इंटरनल डायनामिज्म ऑफ पॉलिटिकल प्रैक्सिस इन इंडिया डेमोक्रेसी, इस प्रैक्सिस को और सशक्त करने वाला अगर कोई काम अगर हुआ है, तो वो सबसे बड़ा जो चेंज मेकर है वो सोशल मीडिया। हम देखते हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी उसकी जीवंत सहभागिता लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में जो बढ़ा है, तो अगर उसमें गत 10-15 वर्षों में जो चेंज आया है तो वो सोशल मीडिया से है, और सोशल मीडिया सशक्त होने के कारण बहुत वर्षों से जिन बातों को स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया और स्टेट सपोर्टेड मीडिया इकोसिस्टम, इसके कारण जिन चीजों को जिन विषयों को दशकों तक दबाया गया है, जिन सेक्टर्स को दशकों तक दबाया गया है, पर्टिकुलरली इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म जो इंडियन कल्चरल इकोसिस्टम, इंडियन कल्चरल वैल्यूज को जिस प्रकार से दबाया गया है,
उसको अब दबाना, अब लंबे समय तक दबाना संभव नहीं है और मुश्किल है। ऐसा बनाने वाला अगर कोई मूवमेंट है तो वो सोशल मीडिया होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हमें समझना चाहिए। एंड वी हैव नॉट रीच येट पीक। हम कोई बहुत अभी एग्जॉस्ट हो गया ऐसा नहीं है कि वी आर इन द बिगिनिंग। तो इस विषय को मैं एक बात रेखांकित करना चाहता हूं कि अभी केवल शुरू हुआ है इंडियन कल्चरल रिवाइवलिज्म और इंडियन जो सोल एंड स्पिरिट का, जिसको कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम इम्पोजिशन, फ्रीडम फ्रॉम कलोनियल कंटिन्यूएशन और फ्रीडम फ्रॉम जिसको कहते हैं कलोनियल, जिसको कई प्रकार के जो एनस्लेव्ड माइंड का जो इम्पोजिशन है उससे सच में बाहर आना शुरू हुआ है। तो एक और जो इम्पॉर्टेंट आयाम या मूवमेंट है तो वो सोशल मीडिया कैंपेन का टाइम है। तो विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल गॉट रियली एम्पावर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स, डेमोक्रेसी में, चाहे गवर्नेंस के विषय में हो, अकाउंटेबिलिटी के विषय में हो, ट्रांसपेरेंसी के विषय में हो, वेलफेयर एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स के विषय में हो, और एथनिक आइडेंटिटीज और एथनिक डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथनिंग के विषय में हो। ऐसे एक एक आयाम को लेते जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा इट इज नॉट जस्ट वन डायमेंशन, इट इज मल्टी डायमेंशनल एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से कोई नेशनलिज्म स्ट्रेंथन हुआ तो नेशनलिज्म डोंट टेक इट एज एन आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म, इट इज अ पीपल्स नेशनलिज्म। कि जो सही सच में जो डिफाइन करना हो तो हमारे राष्ट्रवाद जनता के और निकट जाने का काम अगर हुआ है और जनता के सच्चाइयों के साथ, संवेदनाओं के साथ और जनता की धड़कन के साथ जुड़ने का अगर काम हुआ है तो वो सोशल मीडिया से हुआ है। गेटकीपिंग और फिल्टर्स और नैरो वेस्टर्न इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ओवर मीडिया और जिसको आप कहेंगे कि इंटेंगलमेंट, ये सब चीजों को अगर लिबरेट करने का अगर कोई काम हुआ है तो वो सोशल मीडिया का काम हुआ। सो इन ए वे सोशल मीडिया हैज नॉट ओनली स्ट्रेंथेंड द मीडिया और इट हैज स्ट्रेंथेंड द होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो मेरा जो कहना है इस बात को हमें एक समझने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं इस अपने दो दिन की इसमें इस बात को हमें चर्चा करने की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं आपके सामने जो रहता हूं बात कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनलिज्म का एक आने वाले अभी दिनों में अभी चुनौती है, इसको हमें सामना कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इस चीज को हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। कई बार क्या हुआ कि इंडियन नेशनलिज्म, मैं संक्षिप्त समय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को नहीं बोल सकता हूँ, जस्ट आई एम ट्रिगरिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन इग्नाइटिंग सर्टेन थिंग्स। एक बात ध्यान रखिए कि इंडियन नेशनलिज्म कि कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आने वाली पार्टी, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चली और नेहरू जी के नेतृत्व में सत्ता में आया। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, सत्ता में आने के बाद सत्ता में आने वाला पार्टी जो करती है वो सब उसने किया कि इंडियन नेशनलिज्म को अपने ढंग से, अपने सूटेबल ढंग से, अप्रोप्रिएट ढंग से देश को परोसना का काम किया है। देर बाय इट हैज यू नो जिसको आप कहेंगे मोनोपोलाइज दी, जिसको आप स्पेस, कांग्रेस ने उदाहरण के लिए मोनोपोलाइज कैसे किया, फ्रीडम मूवमेंट में नॉन वायलेंस पैसिफिस्ट जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कांग्रेस के नाम से चला वो आने वाले फ्रीडम जो देश को मिला है उसका केवल उसी के कारण से। अरे मैं उसकी, हम कोई देशभक्त उसके खिलाफ नहीं हो सकते, उसके आंदोलन के खिलाफ नहीं हो सकते हैं और जो देशभक्त लोगों नॉन वायलेंट मूवमेंट में जेल में गए
उसको हम कोई किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं रघुनाथ शाह, तांजा भील और ये सब लोगों की जो लड़ाई है उसको मैं स्पेस ना दूं, और सुभाष चंद्र बोस जी को मैं स्पेस ना दूं, और मैं वीर सावरकर को स्पेस ना दूं, और मैं चंद्रशेखर आजाद, झांसी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह इनको प्रॉपर स्पेस ना दूं, कि ये जो एक काम किया है वास्तव में कांग्रेस का इस देश को क्या नुकसान किया। अगर कोई बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि इट हैज नॉट जस्ट गिफ्टेड राहुल गांधी देश को नुकसान किया, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो किया है उससे वो तो आजकल हम सब लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई कांग्रेस वही इट हैज गिफ्टेड राहुल गांधी टू इंडिया, तो ये नहीं है। उससे ज्यादा नुकसान अगर किया है तो ये मोनोपोलाइजिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये जो जनरेशन तक इनको जो अन्याय किया है इसको जब तक हम अंडू नहीं करेंगे और जब तक हम नेशनलिज्म की जो जिसको रेनबो 360 डिग्रीज का स्पिरिट हम सबको पूरे देश भर में अगर नहीं रखेंगे तो फिर इस देश के साथ बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए सोशल मीडिया का अनफोल्डिंग एजेंडा, व्हाट आई वांट टू से इज इवन इट्स नॉट येट कंप्लीटेड, इट्स अनफोल्डिंग एजेंडा। ये आने वाले दिनों में जब तक हमारी लड़ाई है वीर सावरकर के साथ विषय में हमारी लड़ाई है तो कुछ लोग वीर सावरकर के रास्ते के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा मतभेद का नहीं है, मुद्दा है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में, तो ऐसे बहुत सारे। और 1857 वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में ऐसा और पीछे जाएंगे तो नेशनलिज्म कैनॉट हैव अ रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग विच इज सूटेबल आर टेलर मेड फॉर कांग्रेस इंटरेस्ट, तो ये नहीं हो सकता है। तो इस विषय में सोशल मीडिया के विषय में हमारे राष्ट्रवादी जब हम कहते हैं तो हमें वी हैव टू पिक एवरी सच इंसिडेंट टू क्रिएट ए कॉम्प्रहेंसिव नेशनलिस्ट फीलिंग इन द कंट्री अमंग इंडियंस। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो एक इसमें आने वाला है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय जो किया और सोशल मीडिया उसको रेक्टिफाई करना होगा, वो है कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड। अभी भारत में स्वतंत्रता हमें मिला इसका मतलब है कि वी हैव कॉन्शियसली बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। भाषा के दृष्टि से और राजनीति के दृष्टि से, अर्थतंत्र के दृष्टि से, संस्कृति के दृष्टि से और बहुत सारे विषयों में हमें ये जो कॉलोनियल कंटिन्यूएशन है वो अभी भी है। इसलिए कॉलोनियल कंटिन्यूएशन को जब तक हम डिसरप्ट नहीं करेंगे, जब तक इसको समाप्त तो नहीं करेंगे, तो वो फ्रीडम मूवमेंट का जिसको कहेंगे कि भाई अंतिम जोर तक हम पहुंच गए ऐसा कहना कठिन। राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव कंप्लीटली बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहता हूं कि हिस्ट्री, हिस्ट्री मैं मिडिवल पीरियड की ही हिस्ट्री की बात नहीं कह रहा हूं कि टाइमिंग ऑफ महाभारत टाइमिंग ऑफ रामायण वा व्हाट इज दैट वी हैव इन दैट, डेफिनेटली वी हैव एवरीथिंग। कि पूरी दुनिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन और प्रॉस्परस सिविलाइजेशन और ग्लोरियस सिविलाइजेशन ये सब हमें सोशल मीडिया के थ्रू अनरेवल करना है, एक्सप्लोर करना है और इन चीजों की लड़ाइयों को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ पॉलिटिकल पावर इन दिस स्टेट और इन दैट स्टेट, but it is definitely connecting ourselves to the ancient civilization. इसके विषय में history के विषय में rewriting और history के विषय में जो distortions पूरे दुनिया में किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो भारत के साथ और भारत में जितना अन्याय हुआ है तो किसी भी सभ्यता में इतना नहीं हुआ, और वो कांग्रेस और मार्क्सिस्ट, they have aligned and they may have ideological conflicts but they have always joined to kill the spirit of Indian nationalism or Indian culture. ये एक बात मैं सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये सब चीजों को आगे
लड़ना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट विषय मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि अब जैसे माइनॉरिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, आप देखेंगे कांग्रेस और मार्क्सिस्ट कई बार आपको लगता है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी एक स्पिरिट है, इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, चाहे कभी वो मोदी जी हो सकते हैं, कभी एक्स हो सकते हैं, कभी वाई हो सकते हैं, कोई और पार्टी भी हो सकता है। कई लोगों को ये लगता है कि ये लड़ाई कॉम्पिटिटिव है और कंफ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, हम ये नैरेटिव को नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कल्पना करो कि एक माइनॉरिटी के एक व्यक्ति की लिंचिंग को ये किसी चीज को नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है दे गेट अलाइन्ड विद पाकिस्तान, दे गेट अलाइन्ड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एंड दे गेट अलाइन्ड विद द ग्लोबल चर्च मूवमेंट, they get an aligned with the leftist all over the world who want to see India as strangled India or tamed India, contained India। तो जो लोग देखना चाहते हैं दुनिया में ऐसे जो ताकत है उनके साथ ये जो अलाइन होते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता से हटाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें राजनीति को उठाते हैं, तो उसमें प्रतिस्पर्धा में मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मानता हूं। लेकिन समस्या कहां आती है, इन ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर टू विन अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर अलाइनिंग विद द एंटी इंडिया फोर्सेस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके पटना से पब्लिश हुआ है, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो इंडिया में ग्लोबल माइनॉरिटीज के बारे में एक एफर्ट करके उसने अध्ययन किया है। दुनिया में, दुनिया के इतने देश हैं, इन सारे देशों में आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड और कल्चरली प्रोटेक्टेड। अगर आप पूरी स्टडी करेंगे दुनिया के इतने सारे देशों में, तो चाहे मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हो, या एशियन कंट्रीज हो और फार ईस्ट के कंट्रीज हो, आप पूरे अध्ययन करेंगे तो भारत में जैसे माइनॉरिटी प्रॉस्परस है, शेयर्ड पावर मैंने पार्टिसिपेटिंग इन द पावर सिस्टम, यानी आप कल्पना करो इस देश में राष्ट्रपति भी बन जाता है, उपराष्ट्रपति भी बन जाता है और उदाहरण के लिए महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, तो आप देखेंगे तो इन सारे स्टेट्स में तो व्हाट नॉट माइनॉरिटीज हैव व्हाट एक्सेस टू पावर एनीवेयर इन दिस कंट्री, तो ऐसा इतिहास दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30 ये सब देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस की जो माइनॉरिटी राइट्स की डिक्लेरेशन हो 1992 का, या यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन हो, वो सब फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई है तो वो इंडिया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, सबके लिए राइट टू नॉट टू गेट डिस्क्रिमिनेटेड, ये सब चीजें आप देखते हैं तो दुनिया में किसी देश की संविधान इस प्रकार के समान अधिकार नहीं दिया है। और समान अधिकार केवल पुस्तक में नहीं, और इंडियन जुडिशियरी सच ए जुडिशियरी वर्ल्ड के किसी भी इंडिपेंडेंट जुडिशियरीज की तालिका में नंबर वन अगर आती है, क्योंकि आज तक तो हम कह रहे हैं लेकिन स्टेट इज नॉट ए पार्टिसिपेंट इन सेलेक्टिंग द जजेस इन दिस वर्ल्ड, अगर कोई है तो वो आज भी भारत है, कि भाई जजेस को कोई स्टेट सेलेक्ट नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा है, जजेस को जजेस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके इतना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी,
एंड स्टेट इज सब्जेक्टेड टू द स्क्रूटनी. एवरी स्टेट एक्शन इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द जुडिशरी एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस प्रकार की जो स्थिति है, और उसके बाद इस देश में और फंक्शनल लेवल पर आप देखते हो तो भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद आबादी बढ़ रही है, बाई कन्वर्जन बढ़ रही है और बाई बर्थ रेट बढ़ रही है. दोनों प्रकार से दुनिया में इस प्रकार से कोई और इतना आराम से बढ़ने वाला कोई और देश नहीं है. और रिलीजियस प्लेसेस की कंस्ट्रक्शन नया पुराना नहीं है, नया उसकी संख्या भी बढ़ रही है. दरगाह मस्जिद आप जो देखते हैं तो वो सब बढ़ रहे हैं. तो ये सब चर्चेस ये सब बढ़ रहे हैं. ये सब बढ़ने के बाद भी ऑनस्लॉट ऑफ प्रोलिफराइटिंग कन्वर्टिंग रिलीजन्स होने के बाद भी भारत जैसा माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने वाला और सपोर्ट करने वाला कोई सोसाइटी नहीं है. तो आप सरकार की विरोध करते करते विदेशों के सरकार को, इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस के जैसे देशों को भी आर्ग्यूमेंट्स देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस और मार्क्सिस्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए वी हैव अ फाइट इन कमिंग ईयर्स, वी हैव अ फाइट ऑन माइनॉरिटी फ्रंट. हाउ इंडियन इंडियन मेजॉरिटी एंड इंडियन हिंदूज आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड, हाउ इंडियन हिंदूज डू नॉट हैव ए लेवल प्लेइंग फील्ड विजार्स माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया. ये सब चीजों के बारे में सोशल मीडिया इन कमिंग ईयर्स हैज ए रोल एंड हैज ए डेफिनेट रोल. ये भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है जो सोशल मीडिया को लड़ना है. सोशल मीडिया लड़ना है तो केवल वोट और सीट की लड़ाई नहीं है. ये सब इन चीजों को मैं आपके सामने जो मैं रख रहा हूं. और एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, आई वोंट टेक मच टाइम. तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में. आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज इन इंडिया, व्हेन हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिवेलिंग, ऐसे सिचुएशन में जो महिलाएं पूरे दुनिया में मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के पास अगर है तो भारत में है. ऐसे मुसलमानों की मानवाधिकार और विशेषकर महिलाओं की मानवाधिकार अगर फुल्ली प्रोटेक्टेड है, वो पढ़ सकते हैं, वो रोजगार कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं, उनकी और उनकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके कारण उनके साथ अन्याय नहीं होता है और उनके डाइवोर्स है, ये सब चीजों के बारे में जब प्रोग्रेसिव लॉस इंप्लीमेंट होते हैं तो आप कल्पना करो कि बगल में कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर अफगानिस्तान है, बगल में कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर आपको सीरिया है, लेबनान है, और आपके पास पालेस्तीन है, आपको आप देखेंगे इराक है, ईरान है. ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? तो ये विषय वी हैव टू टेक दिस बैटल ऑन एंड वी हैव एंड सोशल मीडिया हैज एजेंडा टू फाइट, क्योंकि भारत को ग्लोबल लेवल पर सही पोजीशन करना और सही रूप में प्रेजेंट करना ये कोई और नहीं कर सकता, केवल सोशल मीडिया ही कर सकता है. ये गत एक दशक में ये साबित हुआ है. तो इन विषयों को हमें आगे ले जाना चाहिए. मैं आपको और कहता हूं, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में नेशनलिज्म इज गेटिंग डिस्कस्ड एंड इट हैज बीन गेटिंग डिस्कस्ड फॉर ओवर 100 years. लेकिन आप देखिए इंडियन नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशनलिज्म. हमारा नेशनलिज्म, हम ऐसे कई बार क्या होता है कि नेशनलिज्म क्या होता है, वेस्टर्न प्रोडक्ट है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न फ्रेमवर्क ऐसा कहते हैं. लेकिन जब मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद, राष्ट्र की कल्पना जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू मेक ए डिफरेंस, और हम इसको आगे बढ़ के बताना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्रवाद, क्योंकि दुनिया में इसका विकास हुआ तो ये कैसा ध्यान में आया कि वन लैंग्वेज होने पर देश एक हो सकता है, उसका एक्सपेरिमेंट हो गया, फेल हो गया. एक रिलीजन होने पर ही देश एक हो सकता है, वो भी एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी फेल हुआ. और एक एथनिसिटी होने पर ही एक देश रह सकता है, वो भी एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी फेल हुआ.
तो एथनीसिटी के आधार पर भी, रिलीजन के आधार पर भी, और रिलीजन के आपका लैंग्वेज के आधार पर भी नेशनलिज्म ये रहना संभव नहीं है। वी प्रूव टू बी ए डिफरेंट कंट्री। हमारा लैंग्वेज आज नहीं हमेशा पहले दिन से अलग अलग होते हुए भी हम एक रह पाए, हमारा रिलीजन अलग अलग होते हुए भी हम एक रह पाए, हम एथनीसिटी के दृष्टि से अलग अलग होते हुए भी हम अलग एक रह पाए हैं। तो कल्चरल नेशनलिज्म इज डिफरेंट, एंड कल्चर में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसके लिए दुनिया के सामने अगर कोई रोल मॉडल है तो वो केवल केवल इंडिया है और कोई नहीं है। इसलिए इफ यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड कि आपको शोकेस अगर करना है तो भारत ही जीवंत उदाहरण है इस विषय में। देखो वायलेंस की आप कल्पना करते हैं, एक रिलीजन एक देश होने पर वायलेंस कितना हुआ, तो भारत में तो कोई दो चार लोग मरते होंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, और आपको ये सब देखते जाएंगे, और इवन यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, ये सब देखते जाएंगे, तो वर्ल्ड का ब्राइट स्पॉट और लिविंग मॉडल कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी, सुपरफिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी, इनहेरेंट यूनिटी जीवंत होने के कारण अगर कोई देश रह सकता है और एक रह सकता है और हजारों वर्षों तक एक रह करके जी सकता है तो वो भारत रह सकता है। सो ये सोशल मीडिया के थ्रू हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। दीज आर द इश्यूज विच आई वॉन्ट टू रेज। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू और इंडिया, I see it as a synonymous. There is no difference. क्योंकि हिंदू के बगैर कोई इंडिया नहीं है और इंडिया के बगैर कोई हिंदू की कल्पना करना कठिन है। तो इसीलिए अब इंडियन नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म, ये क्या बड़ी कई लोगों को जिनको समझ में नहीं आता वो लोगों को लग सकता है, लेकिन I don't see any difference. तो इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा नॉलेज ट्रेडिशंस, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट एंड पावरफुल व्हीकल टू प्रोपगेट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। पूरे दुनिया में हजारों सालों से नॉलेज ट्रेडिशंस अगर जिंदा है और पुष्पित है, फ्लावर्ड है, ब्लॉसम्ड है, अगर कहीं है तो वो केवल भारत में है हजारों सालों से। आप देखेंगे कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन राम जन्मभूमि की जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था, तो कई लोग जाकर के उसकी सीमेंट कितना करना है, स्टील क्या करना नहीं करना, ये सब आने के बाद ध्यान में आया कि अब तंजावुर में राजराज चोला के जो बना हुआ जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उस मंदिर का हजार साल के बाद भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसमें कोई सीमेंट नहीं है, कोई स्टील नहीं है, और उसका टेक्नोलॉजी की जो है उन दिनों में। आई से टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, वी हैव टेक्नोलॉजी इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो उसमें हजारों सालों से हमारा कंटिन्यूएशन और अपना ये जो नॉलेज ट्रेडिशन जिंदा है। टुडे, इवन टुडे, इंडिपेंडेंट इंडिया के 7 दशक होने के बाद भी उन नॉलेज ट्रेडिशंस को हमने फॉर्मल करिकुलम में पार्टनर नहीं किया है, पार्ट नहीं बनाया है। हमने सड़क बनाने के लिए IIT चलाते हैं, टॉयलेट्स बनाने वाले और बाकी सब चीजें, बिल्डिंग्स बनाने वाले तो IIT IIM और अपना इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, लेकिन कहीं भी इतनी बड़े बिजनेस देने वाला, इतने टर्नओवर करने वाला, इतने बड़ा रोजगार देने वाला, इतने बड़े आपका लाइफ का सेंट्रल इश्यू है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन, हजारों करोड़ का टेम्पल कंस्ट्रक्शन हर साल होता है, लेकिन देर इज नो सिंगल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट दैट टेक्नोलॉजी टू द नेक्स्ट जनरेशन। आज तक हम नहीं बना पाए। नॉलेज ट्रेडिशन एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, बट विदाउट द फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट। तो ऐसा मैं एक नॉलेज ट्रेडिशन नहीं कह रहा हूं, ये लोग तो आयुर्वेद को भी बड़ा परेशान कर रहे थे, जड़ी बूटियों के भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो बहुत सारे साइंसेस को मार्क्सिस्ट एंड लेफ्टिस्ट थिंकिंग हैव इफेक्टिवली मार्जिनलाइज्ड एंड हैव स्टॉप्ड द स्टेट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग दोस डोमेन्स, नॉलेज ट्रेडिशंस। तो इसीलिए सोशल मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग में योग भी अभी अभी रिकॉग्निशन बढ़ रहा है। तो मेरा कहना है सोशल मीडिया जो हिंदू नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, पूरे देश में इतने हैं
आपको मैथमेटिक्स के संदर्भ में, कैलकुलेशंस के संदर्भ में, योग के संदर्भ में, हेल्थ के संदर्भ में, फूड के संदर्भ में, इतने नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, एग्रीकल्चर के संदर्भ में आपको इससे ज्यादा कहीं नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया, हिंदू का मतलब केवल माइनॉरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हिंदू का मतलब या इंडिया का मतलब केवल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव इस वास्ट डाइवर्सिटी टू प्रोपगेट। तो क्योंकि आने वाले दिनों में ये नॉलेज ट्रेडिशंस जो हैं, दे हैव बीन स्टार्व्ड फॉर सेंचुरीज, 1000 years, 1200 years, 800 years, 200 years, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 70 years, इससे स्टार्व्ड है। इसलिए इन सब को नैरेटिव में लाना, और इसलिए मैं देखता हूं कई लोग यूट्यूब में और इसमें कोई टेम्पल के बारे में लाते हैं, कोई फूड के बारे में लाते हैं, और हमारे कोई, आपको मालूम है टेक्सटाइल फैब्रिक्स की जो डिजाइन्स हैं, इंडिया में जितने टेक्सटाइल फैब्रिक्स की डिजाइन्स हैं, नेक्स्ट सेंचुरी तक हम आगे रहेंगे, देर इज नोबडी एल्स, क्योंकि इतने बड़ी डिजाइन क्रिएट किया हुआ सिविलाइजेशन वर्ल्ड में नहीं है। अगर हम प्रॉस्परस नहीं होते तो इतने डिजाइन कैसे क्रिएट होते, इतने फैब्रिक्स डाइवर्सिटी कैसी होती, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हम इतने कैसे होते हैं। और मैं आपको और बताता हूं कि लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी, और आपको मंत्रों के कॉन्टेक्स्ट में भी, मैं बार बार सोशल मीडिया के कन्वेंशन में बोलता हूं कि एक देर इज एन अवधानी ट्रेडिशन इन तेलुगु, कि शतावधानी, सहस्रावधानी, कि लैंग्वेज की जिस प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन, जिस प्रकार के परफेक्शन इन पोएट्री अगर छंदोबद्ध व्याकरण के ढंग से हुआ है तो दुनिया में किसी भाषा के पास नहीं है। इसलिए वी हैव टू वर्क ऑन प्रोपगेशन ऑफ अवर लैंग्वेजेस। तो ये एक बात मैं कहते हुए, मैं अंत में एक बात आप लोगों के सामने कहता हूं कि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, अब सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लीडर्स हैं, टुडे एंड टुमारो दे आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज सब्जेक्ट्स इन सम वे आर अदर वे, और हमें आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवाद को देश की जनता की नैरेटिव बनाना है। और एक बात ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल पावर डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक बात आप ध्यान रखिए कि छत्रपति शिवाजी पॉलिटिकल पावर नहीं होता तो हम क्या होते, राणा प्रताप अगर मेवाड़ अगर पॉलिटिकल पावर नहीं रहा होता तो हम क्या होते, विजयनगर पावर अगर नहीं रहा होता तो हम क्या होते। तो इसलिए पॉलिटिकल पावर, इफ एनीबडी सेज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल डिसएग्री, आई डेफिनेटली डिसएग्री, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल्स आर पार्टीज, डेफिनेटली दे आर इंस्ट्रूमेंट्स, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज एजेंडा, कि जो डीकोलोनाइजेशन की जो एजेंडा है, नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो एजेंडा है, उसके लिए सोशल मीडिया हैज एमर्ज्ड एज ए पावरफुल व्हीकल, एंड वी हैव टू होल्ड ऑन टू दिस नैरेटिव, कि पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें एक बात मैं कहता हूं कि वी हैव टू, फॉर थ्रू सोशल मीडिया वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रोपेगेट, एंड वी हैव टू कन्विंस द पीपल अबाउट वन थिंग, who are the enemies inside and who are the enemies outside, who are our adversaries inside, who are our adversaries outside, who are our, jisko kehte hain ki competitors jo bhi hain, to is sense mein hame sahi pehchanne ki zarurat hai, aur India has to, Indians have to recognize these things, enemies, kyunki jo enemy ko nahi pehchanta hai wo is duniya mein kuch nahi kar sakta। इसलिए हम अपने आइडियोलॉजिकल एनिमीज, और इसमें समझने की जरूरत है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंस हो, यह भी एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है आने वाले दिनों में, क्योंकि पूरे दुनिया में इस प्रकार के विक्टिम ऑफ कन्वर्जन की इतनी लार्ज सोसाइटी अगर कोई फाइट कर रहा है, और वो शताब्दियों से फाइट कर रहा है, तो केवल इंडिया है, कोई दुनिया में और कोई बचा ही नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन्स, एक्सपेंशनिस्ट ग्लोबल कॉर्पोरेट्स, एंड कॉलोनियल इनहेरिटेंस की लेगेसी जिसके पास है
उनको हमें समझने की जरूरत है। तो मैं बहुत अपेक्षा के साथ एक इस वर्कशॉप या कॉन्क्लेव, इसमें मैं आप सब लोगों को यहां पर आने के लिए कार्यक्रम के आयोजन किया। आप सब लोग देश भर के अलग अलग प्रांतों से जिस प्रकार से सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं, उसी प्रकार आइडियोलॉजिकल डोमेन में, आइडियाज के डोमेन में, कल्चर के डोमेन में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत सारे थ्रेट्स होने के बाद भी, बहुत सारे चुनौतियां होने के बाद भी, और बहुत सारे नुकसान होने के बाद भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे कुछ सेलेक्टेड फ्यू हैव गैदर्ड हियर, और आपने सब समय निकाल करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग आज और कल इन सारे विषय में हमें क्या करना चाहिए, वर्क एजेंडा क्या हो सकता है। वर्क एजेंडा डेफिनेटली इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ नहीं हो सकता। हमारे इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल चॉइस, बट हाउ वी कैन नेटवर्क एंड हाउ वी कैन क्रिएट ए कंसेंसस एंड हाउ वी कैन क्रिएट ए काइंड ऑफ डायरेक्शन फॉर अवर सेल्फ, ए कलेक्टिव डायरेक्शन, तो बेस्ड ऑन शेयरिंग एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल सपोर्ट, ये क्या हो सकता है। और आने वाले दिनों में जो अपने स्वतंत्रता के लिए हजारों साल से जो लड़े हैं, उनकी भावना और उनके आत्मा की जो आवाज थी, उसको कैप्चर करते हुए, उसको समझते हुए हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, इस कामना के साथ। और फिर से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हम सबको आतिथ्य दिया, उन सबको धन्यवाद देते हुए, और जो मध्य प्रदेश में भी जो मैंने कहा कि जो फाइट है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये छोटा पॉलिटिकल फाइट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है कि जो ये ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स और बाकी सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में जो लड़ाई चल रही है, देश तोड़ो ताकतों के साथ अलाइन करने वाले, उनको राजनीतिक दृष्टि से जब तक लगातार परास्त नहीं करेंगे, नॉट फॉर वन टर्म, नॉट फॉर टू टर्म्स, नॉट फॉर थ्री टर्म्स, बिकॉज हमारा पैराडाइम बदलना पड़ेगा। और पीपल हैव टू रियलाइज नाउ दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड। ऐसा जब तक नहीं लगेगा, तब तक हर बार हम परास्त करते रहेंगे, देन आफ्टर फ्यू डिकेड्स इट विल बिकम इंडियन पैराडाइम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मुरलीधर राव जी। एक होती है पर्सनालिटी, दूसरा होता है पर्सोनेज। पर्सोनेज इज द रियल पावर एंड द पावर इज नॉलेज। सर इतना सिस्टमैटिक और ऑर्डरली सोशल मीडिया का रोल समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हैज स्पोकन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड हाउ इट इज